नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, जो है आपका सेकुलरिज्म। और ये टॉपिक हम इसीलिए लेके आए हैं क्योंकि हमारे किसी व्यूअर ने कहा था कि नेट के एग्ज़ाम में एजुकेशन सब्जेक्ट के अंतर्गत इससे जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन पूछा गया था, तो उन्होंने इस पर कहा कि वीडियो बनाने के लिए, ताकि उनको समझ में आए कि धर्मनिरपेक्षता क्या है, पंथ निरपेक्षता क्या है। तो देखिए, धर्म निरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता की बात करें तो ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत इन सब चीज़ों पे बात की गई है। तो देखिए, धर्म निरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता जो हिंदी शब्द है, इसको इंग्लिश के एक ही शब्द से, वर्ड से हम जानते हैं, वो है सेकुलरिज्म। तो सबसे पहले हमें धर्म निरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता में धर्म और पथ को जानना जरूरी है, फिर हम निरपेक्षता की बात करेंगे। तो देखिए, धर्म क्या है ये क्लियर करना जरूरी है। धर्म क्या है? धर्म अंतर आत्मा की फीलिंग है, जो आपकी सोल है, आपकी आत्मा है, उसकी फीलिंग है, वो जो फील करता है और फील करने के बाद जो विचार निकालता है, जो उसकी मूल बातें होती हैं, वही धर्म हो जाती हैं। जैसे गौतम बुद्ध की कही गई बातें, गौतम बुद्ध ने कहा कि ये संसार दुखों से भरा पड़ा है, ये उनके अंतरात्मा की बातें हैं, उन्होंने फील किया है। और वो कहते हैं दुखों का कारण है, दुखों का कारण भी है, और उस कारण को समाप्त किया भी जा सकता है और उसके लिए रास्ते भी हैं। तो चार आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग जो हैं, ये इनकी बातें हैं। अब इस बातें जो हैं, इस बातों को ही धर्म कहा जाएगा। यानी कि कोई कहा कि राजा हरिश्चंद्र की बात, कि राजा हरिश्चंद्र जो है सत्यवादी थे, तो सत्यवादिता क्या है? वो सत्यवादिता ही वो धर्म है उनका। तो ये मूल बातें हो गई जो धर्म के नाम से हम जानते हैं। अब इसको जो फॉलो करने लगा, हमने कहा गौतम बुद्ध का जो बातें थी वो बौद्ध धर्म को प्रदर्शित करती हैं, और उनकी बातों पे जो लोग चलते हैं, जितने फॉलोअर हैं, वो क्या है? वो आपका पंथ हो गया। तो इनकी बातों पे जो लोग चलने लगे वो पंथ हो गया। पंथ क्या है? पंथ का मतलब होता है पथ, और पथ का मतलब हो रहा रास्ता, यानी कि वे। तो जिस वे पे आप चलने लगे, जिसके धर्म पे आप चलने लगे, ठीक है, धर्म को फॉलो आप करने लगे, तो वही हो गया पंथ। तो यहाँ अब निरपेक्षता की जो बातें आ गई, इस पर हम लोग अब डिस्कस करना होगा। निरपेक्षता का मतलब क्या है? कि अपेक्षा ना रखने वाला या लगाव ना रखने वाला। तो यहाँ पे धर्म से लगाव ना रखने वाला, और पंथ से, यानी कि पंथ से, पथ से, किसी के पथ से लगाव ना रखने वाला, ये चीज़ें हो गई। अगर धर्म के रूप में धर्म निरपेक्षता को हम सही से जानें, तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि राज्य का धर्म से अलग रहना। पंथ का आशय क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत? कि राज्य किसी धर्म विशेष के साथ भेदभाव ना करे। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इसको मानती है, पंथ निरपेक्षता। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पंथ निरपेक्षता को लेकर चलती है, यानी कि किसी धर्म के, धर्म विशेष के साथ कोई भी भेदभाव ना हो, यानी कि हर धर्म का अपना अपना रास्ता है चलने का, और कोई किसी रास्ते पर चल रहा है तो उसके साथ भेदभाव ना किया जाए, और कोई किसी रास्ते पे चलता है तो उसके साथ बड़ा अच्छा बर्ताव किया जाए, ये चीज़ें नहीं होगा, ठीक है। तो ये था आपका पंथ निरपेक्षता इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत। और भारतीय संविधान जो है, किसी एक पंथ पर राज्य नहीं चलेगा, वह अपने पथ पर चलेगा, ये कहता है। तो यहाँ पे किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, यानी अपनी अपनी जो धर्म जो है उनके पथ पर कोई चल रहा है तो राज्य इससे दूर रहेगा, और राज्य जो होगा, राज्य का अपना पथ होगा, और इसी के हिसाब से हर चीज़ें चलेंगी। और ये धर्म निरपेक्षता की बात की गई है। तो धर्म को क्यों दूर रखा गया? देखिए, धर्म को कॉन्स्टिट्यूशन से दूर इसलिए रखा गया कि धर्म में अच्छी अच्छी बातें हैं। कि मान लीजिए धर्म में कहा गया है कि किसी का जान लेना या हिंसा गलत है, तो क्या ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं रखा जा सकता है? रखा जा सकता है। इसीलिए इन सब चीज़ों को धर्म के अंतर्गत जो आती हैं, इन सब चीज़ों को
जो गवर्नमेंट के अंतर्गत ये सब चीज़ें रखी जा सकती हैं, इसलिए इसको नहीं जोड़ा गया, इसीलिए पंथ को जोड़ा गया। यानी कि अलग अलग रास्ते जो हैं उस पर भेदभाव नहीं होगा, और ये जो होगा आपका कॉन्स्टिट्यूशन वो किसी एक पथ को नहीं मानेगी, ये अपना एक व्यवस्था बनाएगी जिस पे सब तो सब लोग चलेंगे। ठीक है, तो यही चीज़ें आपकी हो गई धर्म निरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता। तो चलिए, जब तक कि नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक नहीं लाते हैं, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल, और आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।